Hello dear students, welcome to Study Plus Fun, a new way to learn. Myself Harish Pandey and this video is for class 4 English. Today we are going to recite, read and understand the poem Run of Unit 3 Marigold. So first of all let us recite the poem. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away, run to the country, away, away. बच्चों, इस पोएम की पोएट हैं मैरी डॉट और वो इस पोएम यानी रन से हमें बताना चाहती हैं रन करने की यानी दौड़ने की इम्पोर्टेंस कि दौड़ने से हमें फ्रेश फील होता है, हमें एनर्जी मिलती है और हम चीयरफुल यानी खुश रहते हैं. तो वो कहती हैं अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन आउट टू द कंट्री रन रन रन. अवे फ्रॉम द सिटी मतलब शहर की भीड़ भाड़ से दूर एंड इन टू द सन और सूरज की ओर यानी उजाले की ओर. आउट टू द कंट्री बाहर अपनी कंट्री की तरफ चलें. रन 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 चलो दौड़ें दौड़ें दौड़ें. रन इन द रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों में दौड़ें क्योंकि बारिश में भी दौड़ने का अपना अलग ही आनंद है. रन नीथ द ट्रीज ट्रीज के नीचे छायादार जगहों में दौड़ें. रन लिटिल रेसेस छोटी छोटी दौड़ों को दौड़ें विद ईच लिटिल ब्रीज हवा के हर छोटे छोटे झोंके के साथ दौड़ें. रन डाउन द हिल साइड पहाड़ी में नीचे ढलान की तरफ दौड़ें. रन अप द लेन लेन यानी सड़क में किसी गली में ऊपर की तरफ दौड़ें. रन थ्रू द मेडो घास के मैदानों के बीच में से दौड़ें. देन रन बैक अगेन और फिर वापस अपने घर की तरफ दौड़ें. रन एंड बी मैरी दौड़ें और खुश रहें. ऑल थ्रू द डे पूरा दिन भर दौड़ते रहें और खुश होते रहें. रन टू द कंट्री अवे अवे अपनी कंट्री की तरफ दौड़ें दूर दूर तक दौड़ें और खुश रहें हमेशा चीयरफुल रहें ताजगी से भरे रहें. तो ये इस पोएम के थ्रू मैरी डॉट कहना चाहती हैं. तो आप भी दौड़ते रहिए और खुश रहिए. नीचे यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट है रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें. नीथ या बीनीथ का मतलब होता है नीचे जैसे बीनीथ द ट्रीज का मतलब पेड़ के नीचे. ब्रीज का मतलब हवा के झोंके. हिल साइड यानी पहाड़ी की ओर. मेडो का मतलब चरागाह घास के मैदान और मैरी का मतलब होता है खुश. बच्चों ये इस पोएम का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है. इस पोएम से रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क को देखने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.